शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आदित्य है, मेरी बेटी प्रिया का बेटा। नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं है। आप वादा कीजिए हमसे कि आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं जानते, बस आपको संभल के रहना। मैडम, जिनका ये फोन है उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। आप क्या हमसे फोन पे बात हुई? हाँ जी, हाँ जी, ये फोन उस आदमी के पास था जिस पे आखिरी कॉल आप ही का नंबर था। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, बस पुलिस आती होगी। ये हमारी ये यशी का फोन है, कहाँ है वो? सॉरी मैडम जी, उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पहले बोलो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं यशी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जा सकते हैं। यश, घर से झूठ बोलना आसान नहीं है मैडम। भाभी जी का बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रखिएगा ऐसे भैया। आप बेफिक्र रहिए भैया,
जिंदगी भर इन्हीं का तो ख्याल रखना है। अमानत तुझे सौंपते हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करना हमेशा। यश जी तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? यश जी, ये सच है कि हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लेकिन सच मानिए, ये बात खुद से कहने से भी डरते थे हम, क्योंकि यश जी हमारे दिमाग में तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारी रिचा के थे, हमारी अपनी रिचा के। उसका दिल दुखाकर हम कैसे खुश रह पाएंगे? ऐसी बातें कर रही हो अंजलि, तुम कहना क्या चाहती हो? इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हुए कभी एक नहीं हो पाएंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। बस हम ऋचा को धोखा नहीं दे सकते। पता नहीं किस हाल में होंगी वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि ये सब कुछ। यश जी, पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमें रिचा की बहुत फिक्र हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है। आप हमें उसके पास ले चलिए ना, प्लीज प्लीज। साहब आपकी चाय। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए।
गलती हो गई तुझसे। गलती नहीं, पाप किया है तूने और पाप की सजा मिली। बहुत हो गया। क्या हुआ, क्यों मार रहे थे मोहन? उसने मेरी अंजलि की तस्वीर पर चाय गिरा दी थी। इतना बड़ा जुर्म किया है उसने, उसे कैसे छोड़ देता मैं? मतलब उसने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। फिर तो सही किया तुमने। अपना दिल तोड़ने वाले को कभी नहीं बख्शना चाहिए। बचपन से तुम्हें यही सिखाया है। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। अब तुम्हें ये फोटो रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंजलि तक पहुंचने का और उसके पास रहने का रास्ता तो पहले ही मिल चुका है। सोचो, अंजलि उसी घर में रहती है जो हमारी मंजिल है। ये देखो, पिछले 26 सालों में गर्ग परिवार ने कितना कुछ कमाया, कहां कितनी प्रॉपर्टीज बनाई, कितना लेन देन किया, उन सब का हिसाब इस फाइल में है। Yes, हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मधु देवी बोल रहे हैं। रिचा, 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 जी आप घर जाइए, हम रिचा से मिलकर आते हैं। हालत है, तू उसकी जिंदगी में नर्क बनकर आई है। तूने उसकी खुशियों में आग लगा दी है। तूने अंजलि, तूने। बस बस कीजिए बहू जी, बस कीजिए। मारी वचन,
हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमने क्या किया हम पूछते हैं? हमने कहा हमारी यश से शादी करा दीजिए, हमने कहा नहीं। जो भी कुछ हुआ है हमारी वजह से नहीं हुआ, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने छल करके हमें उस घर की बहू बनाया और अब यश जी को हमसे प्यार हो गया है तो आप इल्जाम हम पर लगा रही हैं। कोई इस रिश्ते को धर्म से जोड़ रहा है तो कोई प्यार से। हमने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं है बहू जी। आप बताइए, हम पूछ रहे हैं, आप बताइए इन सब में हमारा क्या कसूर है? गोपाल की जिंदगी की कदर करना सीख रिचा। आसानी से हार मान जाना कायरता होती है। जीना सीख, खुश रहना सीख मेरी बहन। आज एक वादा करते हैं हम तुझसे, भले ही यश जी हमारे पति हैं, लेकिन वादा करते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी भी हम तेरी जगह नहीं लेंगे। राधे राधे। तुम मुकेश एक बात का ख्याल रखना, हमारी गैर हाजिरी में वो लड़का इस घर में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं। जो हुआ उसे भूल भी जाइए, 26 साल हो गए अपनी बेटी से मिले हुए। आज जब उसका बेटा हमारे पास आया तो आप उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। कम से कम उससे तो रिश्ता रखने दीजिए मुझे। अपनी बकवास करना बंद करो। आज से 26 साल पहले जब हमने अपनी बेटी को मरा हुआ मान लिया तो उसके अंश से हमारा कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? हमने कह दिया कि वो इस घर में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। जय श्री राधे। ये धुआं कैसे आ रहा है? रिचा, तू ये सब क्या है? मैं बहक गई थी अंजलि, लेकिन तेरे एक थप्पड़ ने
मुझे सही रास्ते पर ला खड़ा किया। अब मुझे सब समझ आ गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। पापा सही कह रहे थे कि तुम दोनों का मिलना तो पहले से ही तय था, क्योंकि तुम दोनों का कुंडली मिलन तो गोपाल ने पहले से ही तय करके रखा था। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और ये भी समझती हूँ कि तू यश से प्यार तो करती है, लेकिन मेरी वजह से उसकी नहीं हो पा रही। इसलिए आज मैं तुझे सारे बंधन से मुक्त करती हूँ। अब तू अपने आप को किसी भी बात के लिए दोष मत देना, क्योंकि यश सिर्फ तेरा है और तू यश की। मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारें, दिल की जमीन पे कैसे पड़ने लगी दरारें, मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारें, पूछते हैं रातों से ये जागते नयन पूर्ण होगी। सॉरी अंजलि, सॉरी फॉर एवरीथिंग। टेक केयर रिचा। ओ भाई साहब, कौन हो आप लोग? हमारे शहर के नए डीएम मधु देवी ने आपके घर को तोड़ने का ऑर्डर दिया। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।